हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। तो भाई न्यूज़ ये है कि रशिया के बाद ईरान ने भी ऑफर करा है ऑयल इंडिया को और कहा है कि भाई चलिए हम रिवाइव करें फिर से अपना रुपी रियाल बाटो को। हम जानेंगे पूरी खबर। आई शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए ईरान ने भी ऑफर करा है कि हम इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है उसे पूरा करेंगे जब पूरे वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के प्राइसेस हाई हो और डर हो इन्फ्लेशन के बढ़ने का, ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हो, दैट दिल्ली रन्स विद फॉरेन कंट्रीज एंड जब रुपी यहाँ पे वीक हो अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो अब क्या है पूरी खबर, अभी आप रिसेंटली जानते हैं कि हमने कह दिया कि हम रशिया से तेल वगैरह लेंगे, तो आगे क्या है पूरी खबर हम समझेंगे बहुत अच्छे से, बट पहले आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। देखिए अन अकेडमी में होने वाला है सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 27 मार्च को। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, उस पर क्लिक करिए और मेरा कोड सिर्फ आईएस जो उसकी स्क्रीन पर भी दिया गया है उसे यूज़ करके खुद को एनरोल कराइए कम्प्लीटली फ्री और आपके पास चांस है यहाँ पे 15 करोड़ तक की स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड्स पाने का। उसके साथ यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो मिलेगा ही। इसके साथ यहाँ पे प्रीलिम्स और सीसैट की प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए अन अकेडमी पे है टेस्ट सीरीज, इसमें भी आप मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। बाकी इनके नए बैचेस 23 मार्च से और साथ में कई सारे ऑप्शनल बैचेस मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। इन सब को ही अवेल करने के लिए 0% EMI पे मेरा कोड सिर्फ आईएस यूज़ करें। इंटरेस्ट कुछ नहीं है और प्रोसेसिंग फीस भी कुछ नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी इनरोल करिए और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन करिए क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं। कमिंग बैक टू टॉपिक, देखिए मेन पॉइंट्स क्या हैं पहले आपको ये समझाती हूँ। देखिए ईरान ने ऑफर करा है ना इंडिया की डिमांड को, एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए कि जब भाई ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस ज़्यादा हो है ना, डर हो, बाकी मैंने सब कुछ बताया। तो ईरानियन एम्बेसडर ने जो ईरानियन एम्बेसडर हैं टू इंडिया अली चिंगेजी जी, उन्होंने ऑफर करा कि हम फिर से रीलॉन्च करना चाहते हैं रुपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म को एक्सपोर्ट करने के लिए ऑयल और गैस को इंडिया को। इन्होंने कहा कि भाई बायलेटरल ट्रेड जो है इसका पोटेंशियल है करीब $30 बिलियन तक का अगर हम दोनों साइड जो है वो आराम से अपना रुपी और रियाल ट्रेड करते हैं। आप जानते हैं अच्छे से कि भाई जो ईरान है वो हमारा रुपी एक्सेप्ट कर रहा था, लेकिन अब मसला क्या था कि भाई जो यूएस है, यूएस ने भाई क्या रखा कि नहीं ईरान से जो ट्रेड करेगा हम सैंक्शन लगाएंगे ये वो, इसलिए हम थोड़ा सा रुके हुए थे। लेकिन अभी जो इतनी हिम्मत दिखाई इंडिया ने कि भाई हमने सीधा टोटली स्टैंड लिया है रशिया के सपोर्ट में कि हम तो भाई ऑयल मंगाएंगे, तो इसके लिए ये भी एक दरवाज़ा खुलता है। तो यूएस सैंक्शंस के पहले आप जानते हैं कि ईरान और इंडिया जो है वो बहुत बढ़िया बार्टर सिस्टम रन कर रहे थे जहाँ पे इंडिया की जो ऑयल कंपनीज थी वो रुपीज़ में पे करती थी लोकल ईरानियन बैंक्स को और बदले में यूज़ करती थी यहाँ पे करेंसी को पे करने के लिए इम्पोर्ट्स को फ्रॉम इंडिया। तो मैकेनिज्म बहुत सही था। इससे क्या था कि मतलब मैकेनिज्म से क्या था कि ये लीड कर रहा था प्लोरिफिकेशन ऑफ ऑयल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज़। बढ़िया हम ऑयल ले रहे थे दे रहे थे, हमारे रुपये भी जा रहा था और हमारे रुपये की भी पेमेंट हो रहा था, कोई डॉलर वाला हिसाब किताब नहीं हो रहा था। ठीक है, टू द एक्सटेंड दैट ईरान रिप्लेस्ड सऊदी अरेबिया इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। इस हद तक हमारा बहुत मस्त था उस समय सेंक्शन से पहले ये सब चल रहा था कि हमने जो है वो सऊदी अरेबिया तक को रिप्लेस कर दिया था ऑयल के जब हम इम्पोर्ट की बात करते थे, तो ईरान हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया था। तो ईरान जो है वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर था, बट न्यू दिल्ली ने यहाँ पे रोक लगा दी इंपोर्ट पे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन्होंने बोला कि अरे ऐसा है वैसा है, न्यूक्लियर डील को लेके बात है और सैंक्शन लगा देंगे और ईरानियन ऑयल पे वगैरह वगैरह। तो जब अमेरिका की सैंक्शन लगी तो इंडिया और जो इंडिया का और तेहरान का ट्रेड था वो यहाँ पे 17 बिलियन से 2019 में घट के लेस देन 2 बिलियन हो गया अप्रैल जनवरी में। तो अब इतना पीछे हो गया कि भाई इंडिया नहीं चाहता था कि फालतू में क्यों ही जो है यूएस से ख़राब करी जाए, लेकिन ईरान अब रेडी है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रुपी रियाल ट्रेड को यहाँ पे लॉन्च करके एक्सपोर्ट करने के लिए ऑयल को और गैस को। तो ये जो भाई साहब हैं चेंगेजी जी, इन्होंने कहा कि भाई स्टेटमेंट है इशू करा है MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने, आप समझिए आप करा है हमें ये। उन्होंने कहा कि भाई देखिए रुपी रियाल ट्रेड मैकेनिज्म जो है इससे क्या मदद होगी, इससे जो कंपनीज़ हैं दोनों ही कंट्रीज़ की वो हर एक दिन की जो उनकी जो भाई चीज़ें हैं वो पूरी कर सकेंगी। हाँ तो ऑल्टरनेटिव तरीके तो निकालने हैं किस तरीके से हम रिवाइव करें ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट को ताकि नेचुरल गैस भी इंडिया में आ सके। और ट्रेड जो ईरान और न्यू दिल्ली के बीच में है वो रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ ऑयल और गैस तक ही नहीं है,
यूरिया, पेट्रोकेमिकल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, एग्रो कमोडिटीज, फार्मास्यूटिकल, ईरान एंड आपका सॉरी आयरन एंड स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स, क्लिंकर्स, सीमेंट, ये सब भी पार्ट है बायलेटरल ट्रेड का। तो ईरान इवन यहाँ पे पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक मल्टीपल वीज़ा भी इशू कर रहा है, ऐसा सिस्टम भी दे रहा है इंडियंस को, ताकि एक्सचेंज जो बिजनेसमैन का है, टूरिस्ट का है, स्टूडेंट का है, ये भी प्रॉपर हो सके। तो इंडिया का जो रिसेंट डिसीजन आप जानते हो ना कि रशिया से ऑयल हम इम्पोर्ट करेंगे, इतना भयानक सेंक्शन लगा रखी है वेस्ट ने, डेंटू हमने जो कहा ना, तो इससे यहाँ पे यूरोप तो देखिए नाराज़ हुआ यूरोप ने ये तक कहा कि भाई हम इंडिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी इंडिया की, या जैसी भी बातें रहीं। अब देखिए ये सब जो इंडिया को तो भाई यूरोप को तो ये चीज़ लगी, उसने कंडेम भी किया कि ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया, रशिया से क्यों ऐसा बाय कर रहा है नेचुरल गैस को। तो अब यहाँ पे इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर और ऑयल मार्केटिंग कंपनी है इंडियन ऑयल, इसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है 3 मिलियन बैरल्स का रशियन क्रूड से, और सेकंड लार्जेस्ट बीपीए जो सीएल है इसने 2 मिलियन बैरल्स को करा है। बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे रशिया दे रहा था, इतनी महंगाई, इतने महंगे फ्यूल के टाइम पे भी, तो हम क्यों नहीं लेंगे भाई। उसने हमेशा ही दैट कंट्री इज़ आर ओल्ड फ्रेंड, तो हमने उसका सपोर्ट किया। तो मीडिया की रिपोर्ट का ऐसा कहना है कि जो रशिया है वो इंडिया को 25% का डिस्काउंट दे रहा है, इससे अच्छी क्या बात। यहाँ पर तो जानते हैं हमारे देश में तो भाई डिस्काउंट है तो भाई चलना है। और वैसे भी आपकी इस बारे में क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड ऐसी वीडियो के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।